हेलो फ्रेंड्स, मैं शाहीन हसन दिल्ली से। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लर्निंग है तो अर्निंग है। सभी लोग समझ सकते हैं नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। तो दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि आज हम आपको बताएं कि लर्निंग हमें कैसे करनी है। यानी कि लोग बिजनेस तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है, वो आगे कुछ सीखते नहीं हैं और फिर कहते हैं हमें पैसा नहीं आ रहा। तो आप ये सोचिए कि जब तक आप कोई चीज़ सीखेंगे नहीं, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। यहाँ तक कि अगर हमें साइकिल भी चलानी है तो डेफिनेटली हमें सीखना पड़ता है। फिर वही वाली बात है कि सीख के तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको इंजेक्शन लगाना भी सीखना पड़ेगा। अगर आपको पायलट बनना है तो आपको चलाना भी सीखना पड़ेगा। आपको कार चलानी है तो आपको वो सीखनी पड़ेगी। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो हर चीज़ को सीख के ही हम बेस्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि अगर हम अपने ऑन पैसिव बिजनेस के लिए बात करना चाहती हूँ राइट नाउ, मैं ऑन पैसिव बिजनेस में क्या है, लोग आ तो रहे हैं, अब लोगों को लगता है कि हमें जो है कुछ सीखना नहीं है, या क्या है कंपनी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ज्वाइन कर लिया किसी के कहने थे। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस बिज़नेस को सीखेंगे, समझेंगे, तो हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ इन फ्यूचर हमारे बच्चों के काम आने वाला है। दूसरी चीज़, हम ये भी देख सकते हैं हाउ टू मेक आईडी। अब लोगों का क्वेश्चन आता है आईडी कैसे बनाना है, लिंक कैसे शेयर करना है। तो ये सब चीज़ें हमें टाइम टू टाइम सीखनी है कि हमें आईडी कैसे बनानी है, हाउ टू रजिस्टर। आपको किसी भी नए बंदे को रजिस्टर करना है तो आपको अपना लिंक कहाँ से शेयर करना है, आपको NDA कैसे साइन करना है, आपको ईमेल आईडी को वेरीफाई कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आप सीख कर ही कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही आसानी से अगर कोई सीखना चाहे तो कुछ भी। उसी तरह से अगर मैं बात करूं तो अगर हमारे जो फाउंडर लिस्ट है, टाइम टू टाइम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि हमारे फाउंडर्स कितने हो गए, तो वो भी हम अपनी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। वो कैसे देखेंगे, जब हमें पता चलेगा कि देखना कैसे है, जब हम उस चीज़ को सीखेंगे, डैट्स तब हम वहाँ तक पहुँचेंगे। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं कि अपलाइन, इसमें हमारे अपलाइन क्या, सब हमारे बिज़नेस पार्टनर हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिसने हमें ज्वाइन कराया है, जिसने हमें अपना स्पॉन्सरशिप दिया है, उसके थ्रू हम इस बिज़नेस में आए हैं, तो डेफिनेटली उस बंदे से हमें कम्युनिकेट करना है। अगर वो बंदा आपके बिज़नेस में आके जा भी चुका है तो भी आप अपने LC मेंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको सीखनी है, आप यूट्यूबर्स में, हमारे इतने सारे कांटेक्ट लीडर्स हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आप सीखना चाहते हैं, सीखने की चाहत रखते हैं, तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। और अगर मैंने अपलाइन की बात करी तो मैं कहूँगी वो इफेक्टिव, एक्टिव, इफेक्टिव और प्रोग्रेसिव होना चाहिए। यानी कि टाइम टू टाइम आपको दिखना चाहिए कि ये अगर हमारे अपलाइन है तो इनकी जो है प्रोग्रेस भी हो रही है, ये एक्टिव भी हैं, रेगुलर हमसे बात भी करते हैं, तो हमें अपने अपलाइन से डेली बात करनी है। एटलीस्ट दिन में एक बार तो मैं ज़रूर कहूँगी दोस्तों, हमें उनसे बात करनी चाहिए, ताकि टाइम टू टाइम हमें कंपनी के अपडेट्स मिलते रहें। और अगर हम ज़्यादा ही जानना चाहते हैं, और मेरी राय ये है कि जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं रेगुलर जो है अपना वेबिनार लेती हूं, जो कि हमारा डेली 8 बजे आता है। फिर अब हमारा दिल की बात शुरू हुआ है, जो कि योगिनी मैम और ममता मैम ने शुरू किया है, तो वो स्पेशली फॉर वुमेंस के लिए है कि अगर हमारी वुमेंस को टाइम नहीं मिल रहा है डेली वेबिनार का, तो मैं कहूँगी वो एटलीस्ट दिल की बात देखें कि कितनी लेडीज़ ऐसी हैं आज के टाइम में, वो सीख रही हैं और आ करके हमारी इस प्रोग्राम में बोल रही है। यानी कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं दोस्तों, मैं बात करूं कैमरे के सामने कभी आए ही नहीं, लेकिन आज ऐसी ऐसी लेडीज़ हमारे कैमरे के सामने हैं दिल की बात की वजह से। तो थैंक यू सो मच योगिनी मैम और ममता मैम को मैं फिर से थैंक्स कहूँगी कि वो इतना लेडीज़ को आगे लेकर आ रही हैं। तो हर काम दोस्तों हम सीख करके कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि रेगुलर बेसिस पे आप सभी लोग जो है एक 8 बजे का वेबिनार हमारा डेली अटेंड करें, आफ्टर डैट दिल की बात ज़रूर अटेंड करें। स्पेशली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन आंसर सेशन अटेंड नहीं करते, फिर पूछते हैं कंपनी कब लॉन्च हो रही है, कंपनी के बारे में जब आपको क्वेश्चन आप अटेंड ही नहीं करें क्वेश्चन आंसर सेशन, तो हाउ टू नो कि कंपनी कहाँ तक प्रोग्रेस कर चुकी है। क्योंकि टाइम टू टाइम मैं कंपनी के सारे क्वेश्चन पूरे के पूरे, हाँ, अगर मैं बात करती हूँ जितना मैं समझती हूँ और सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि हमें अगर हम रेगुलर क्वेश्चन आंसर सेशन संडे में ले रहे हैं तो हमें किसी से भी कोई सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और हमारा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाता है, हमें लगता है कि यार हमें सब कुछ पता है कंपनी के बारे में। और मैं आपको आने वाले टाइम के लिए बता दूँ दोस्तों, जब कंपनी लॉन्च होने वाली है ना, तो डेफिनेटली आप सबके होश उड़ने वाले हैं। मुझे ये डायलॉग बहुत पसंद आया कि वाकई, यानी कि दे नोज कि कंपनी कितने हद तक इस्टेब्लिश हो चुकी है, यानी कि विद इन 1 or 2 months हमें वेट करना है, पेशेंस बनाए रखने हैं। तो मैं सबको यही बोलूँगी, तो पेशेंस बनाए रखें। इन एक्टो वेनेट, थैंक यू सो मच।